पैराग्लाइडिंग के लिए विश्व प्रसिद्ध बीड़ बिलिंग घाटी में बीड़ से बिलिंग की ओर से जाने वाले वाहनों की जांच का जिम्मा तीसरे दिन भी पुलिस के स्थान पर पंचायत व महिला मंडल की प्रतिनिधियों ने संभाला। पिछले दिनों बिलिंग के रास्ते में हुई दुर्घटना के बाद स्थानीय प्रशासन में साडा के सुपरवाइजर रणविजय को पुलिस के साथ वाहनों की जाँच का जिम्मा सौंपा था। पैराग्लाइडिंग के लिए विश्व प्रसिद्ध बीड़ बिलिंग घाटी में बीड़ से बिलिंग की ओर जाने वाले वाहनों की जांच का जिम्मा तीसरे दिन भी पुलिस के स्थान पर पंचायत व महिला मंडल की प्रतिनिधियों ने संभाला। पिछले दिनों बिलिंग के रास्ते में हुई दुर्घटना के बाद स्थानीय प्रशासन ने साडा के सुपरवाइजर रणविजय को पुलिस के साथ वाहनों की जाँच का जिम्मा सौंपा था, लेकिन पुलिस विभाग स्टाफ की कमी को लेकर तीन दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने एक भी कर्मचारी को तैनात नहीं किया है। बावजूद इसके बीड़ के पंचायत प्रतिनिधियों व महिला मंडलों की प्रतिनिधियों ने बीड में चेक पोस्ट पर वाहनों की जांच पड़ताल करती नजर आई। इस दौरान उनकी वाहनों से शराब, बियर, अन्य चीजें बरामद की गई। गौर रहे कि बीते दिनों एक वैन दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसमें दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी और अन्य छह लोग घायल हुए थे। इस वैन में चालक सहित सभी लोगों ने शराब का सेवन किया था। इस सड़क मार्ग में शराब पीकर वाहन चलाते समय पहले भी छोटी मोटी दुर्घटनाएं होती रही हैं। गायत्री महिला मंडल की प्रधान ने बताया कि उनके मंडल की आठ महिलाओं के टोली ने बीड में चेक पोस्ट वाहनों की जांच की। उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में भी आठ आठ महिलाओं की टोलियां साडा सुपरवाइजर के साथ बिलिंग जाने वाले वाहनों की जांच करते रहेंगी, ताकि कोई भी वाहन चालक शराब, बियर आदि दूसरी सामग्री साथ लेकर न जाए। साडा चेयरपर्सन व एसडीएम बैजनाथ छपी मांटा ने बीट में वाहनों की जांच करने के लिए महिला मंडल की प्रशंसा करते हुए बताया कि ये बड़ा सराहनीय काम कर रही हैं। उन्होंने बताया कि ये महिला मंडल इसी तरह आगे भी अपना सहयोग करती रहेंगी। उन्होंने बताया कि आज भी वाहन जांच के दौरान शराब व बियर की बोतलें जब्त की गई। बिलिंग में बीते दिनों एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था, जिसके संबंध में अब स्थानीय पंचायत के जो वासी हैं और जो वहाँ की महिला मंडल की जो मेंबर्स हैं, उन्होंने बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है और बीड़ से बिलिंग की तरफ को जो एक बैरियर है, वहाँ पे खड़े होकर वो गाड़ियों की चेकिंग कर रहे हैं। गाड़ियों में जो भी प्रतिबंधित सामान नशे से संबंधित जो होता है वो पाया जा रहा है, तो उसे वो जब्त कर रहे हैं।